हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप पिकअप का भाड़ा कैसे निकाल सकते हैं, कैसे आपको डील करना है कि हमें कितने किलोमीटर का कितना भाड़ा लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच में आपको कितना भाड़ा लेना चाहिए। पहले हम 10 किलोमीटर का बताएंगे, फिर 20 किलोमीटर, फिर ऐसे 30 किलोमीटर, तो ऐसे बताएंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमको भाड़ा कितना लेना चाहिए, हमें कितना बचेगा और कितना हम मतलब उसमें डीजल लगेगा हमारा। तो जैसे कि 10 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक के रेंज में लोकल रहता है, मतलब लोकल रहता है, ये फिक्स रहते हैं कि यहाँ तक का इतना भाड़ा मिलेगा। अगर 150 किलोमीटर से जैसे 200 किलोमीटर आप जाते हैं, 250, तो उसमें क्या है कि किलोमीटर से मतलब भाड़ा लिया जाता है, जैसे 16 किलोमीटर या कहीं कहीं 17 रुपये किलोमीटर, ऐसे ऐसे चलता है। और जो 10 किलोमीटर से 150 किलोमीटर के बीच में रहता है, ये फिक्स रहता है कि यहाँ तक का इतना भाड़ा आपको मिलना है, यानी इतना आपको लेना चाहिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि 10 किलोमीटर आपकी लोकली में गाड़ी चल रही है, जैसे कि हमारे यहाँ 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर या 10 किलोमीटर जैसे कि सिटी की सिटी में चलती है, तो यहाँ का जो मैं अपने यहाँ का बताऊँ तो यहाँ पर 700 से 800 रुपये, 900 या 1000 भी ले लेते हैं, जैसे ही आपको टाइम लगेगा तो इतना भाड़ा लगता है, यानी 700 से 1000 के बीच में भाड़ा लेते हैं। अब जैसे 10 किलोमीटर चली तो उसमें से मान लीजिए कि आप 1 लीटर 1.5 लीटर आप डीजल समझ लीजिए, तो 100-150 रुपये का आपका डीजल हो गया, 100-150 रुपये आप खाश मान लीजिए, तो बाकी आपके बच जाएंगे। तो इतना हमारे यहाँ लोकल में लेते हैं, यानी 700 से 1000 रुपये लोकल में लेते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई ऐसा रहता है कि 1-2 किलोमीटर चलना है और उसका कितना लें, तो वो टाइम पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए किसी ने बताया कि हमारी 2 ही किलोमीटर जानी है गाड़ी और आप एक चक्कर की बताइए कितने मतलब पैसे लेंगे, तो मैं बोलेरो पिकअप वगैरह का बता रहा हूँ। ये पिकअप जैसे कि महिंद्रा की आती हैं, टाटा की आती हैं, या आप अशोक लीलैंड की भी बात कर सकते हैं। तो जैसे 1-2 किलोमीटर चल रहे हैं तो वो टाइम के ऊपर रहता है कि पहले टाइम कितना लगना है। जैसे कि कई ऐसे लगा लेते हैं कि पूरा दिन नहीं लगा लेते हैं कि माल लोड हो रहा है या फिर खाली हो रहा है, तो ऐसा भी रहता है। तो ऐसे में आप 500-600 रुपये ले सकते हैं टाइम के ऊपर के कितना टाइम लगना है, तो ये ऐसे ले सकते हैं। और मैं ड्राइवर का नहीं बताया कि आप उसी में ड्राइवर को कितना देंगे, आप चाहे स्वयं चलाइए चाहे आप ड्राइवर से चलवाइए, तो वो अपने हिसाब से है कि आपको कितना ड्राइवर को देना है या आप ड्राइवर रखे हुए। तो अब बात करते हैं कि जैसे 10 किलोमीटर आपकी गाड़ी कहीं गई, पहले तो हो गया जैसे कि 10 किलोमीटर खाली 10 किलोमीटर चलना है, आप जैसे 10 किलोमीटर कहीं गई और फिर 10 किलोमीटर वापस भी आनी है, तो टोटल हो गया 20 किलोमीटर। तो उसमें कितना भाड़ा हमें लेना चाहिए, तो 20 किलोमीटर में आप मान के चलिए कि 2 से 2.5 लीटर के बीच में आपका जैसे डीजल ख़त्म हो जाएगा, तो 250 के समथिंग आप मान लीजिए कि डीजल में ख़त्म हो गए, तो आपको कितना भाड़ा लेना चाहिए, तो उसमें आप 1000 रुपये से 1500 रुपये के बीच में आप ले सकते हैं। तो आप अपना निकाल सकते हैं कि 250 रुपये अपना डीजल का हो गया और फिर 250 रुपये अपना खर्च वगैरह भी निकाल सकते हैं, तो बाकी आपको 1900 रुपये या मतलब जैसा आप डील करते हैं, ये फिक्स भी नहीं रहता है कि आपको ये 1500 या 1200 या 1300, जैसे आपको डील कर सकते हैं कि हाँ इतना लेंगे, तो वो रहता है। वो अपनी अपनी सिटी पर भी रहता है कि कहाँ आप चलाते हैं, तो वहाँ भी रहता है, कहीं कहीं ज़्यादा भी रहता है, कहीं कहीं थोड़ा कम भी रहता है, तो ये भी डिपेंड करता है। जैसे कहीं गांव देहातों में चलाते हैं तो वहाँ थोड़ा कम भी रहता है, अगर आप कोई बड़ी सिटी में चलाते हैं तो वहाँ ज़्यादा भी रहता है। फिर वहीं अगर 10 से 15 के बीच में बात करते हैं कि जैसे कि 15 किलोमीटर आपकी गाड़ी एक तरफ से जानी है, 15 किलोमीटर आनी है, तो वही आप 1500 के आसपास ही ले सकते हैं, उसमें आपका बच जाएगा और आपका डीजल भी उसी में निकल आएगा। अब बात करते हैं कि जैसे 20 किलोमीटर आपकी गाड़ी कहीं गई और 20 किलोमीटर वापस आनी है, तो टोटल हो गया 40 किलोमीटर। अब इसमें आप मान सकते हैं कि जैसे 4 लीटर आपका डीजल ख़त्म हो गया और भी चल जाती है, तो आप 4.5 या 5 ही मान सकते हैं, तो 500 रुपये का तो आपका जैसे कि डीजल ही ख़त्म हो गया। 200-250 रुपये आप अपना खर्च वगैरह भी मान सकते हैं, खाना पीना या 300-400 भी मान सकते हैं, तो मान लीजिए कि 1000 ही हो गया। अब आपको इसमें कितना लेना चाहिए, तो आप इसमें 1500 से 2000 रुपये के बीच में आप ले सकते हैं, वो अपने एरिया के हिसाब से लेना है, कैसे आप डील करते हैं, कितना टाइम लगना है, तो वो भी रहता है। तो आप 1500 से 2000 के बीच में आप ले सकते हैं, तो उसमें आपको 1000 रुपये के आराम से बच जाएंगे। अब बात करते हैं कि जैसे वही 25 किलोमीटर का आ गया, तो उसमें से 2100-2200 ले सकते हैं, ऐसा हो गया। अब 30 किलोमीटर की बात करते हैं कि जैसे 30 किलोमीटर कहीं आपकी गाड़ी जानी है और 30 किलोमीटर वापस आनी है, तो उसमें आप कितना ले सकते हैं, तो 30 किलोमीटर में रहता है कि 30 दूनी 60, तो 6 से आप 7 मतलब कि 7 लीटर आप डीजल मान सकते हैं, तो 700 रुपये का मान लीजिए कि आपका डीजल हो गया। अब उसी में 300 रुपये आपके खाना वगैरह के हो गए, 200 रुपये और मान लीजिए, तो ये अपना 500 हो गया।
तो वही 1200 के समथिंग जी हो गए। और उसमें ये भी रहता है कि जैसे कहीं कहीं टोल है या बॉर्डर है तो उसका अलग से पैसे मतलब उसी में जोड़ना पड़ता है। अगर जैसे टोल वगैरह नहीं है तो अलग बात है कि थोड़ा कम हो जाता है 100-200 रुपये जितना भी है, और बाकी अगर टोल वगैरह है तो उसको भी आप उसी में इंक्लूड कीजिए। तो इसमें आप कितना ले सकते हैं, जैसे 1200-1500 तो आपका खर्च ही हो जाएगा, तो इसमें आप ले सकते हैं 2500 से 2600-2700 रुपया आराम से आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं 40 किलोमीटर की, कि आपकी गाड़ी 40 किलोमीटर जानी है, 40 किलोमीटर वापस आनी है, तो टोटल कितना हो गया, 80 हो गया। तो इसमें से आप 9 लीटर मान लीजिए तो 900 रुपये का तो आपका डीजल हो गया, वही 500 रुपये आप खर्च मान लीजिए तो वही 1400 के समथिंग जी हो गए। अब आपको गाड़ी का निकालना है तो आपको मतलब कितना लेना है, तो आप 2500 से 2800-2900 ऐसे आप पैसे ले सकते हैं 40 किलोमीटर की रेंज में, यानी 40 आएगी 40 जाएगी, 80 किलोमीटर हो गया। अब बात करते हैं कि जैसे कि आपको 50 किलोमीटर जाना है कहीं और 50 वापस आना है, तो अपना 100 हो गया, तो उसी में आप 2800 से 3000 रुपये के बीच में आप ले सकते हैं। तो 50 और 50 × 100 तो आप 10-11 लीटर आप समझ सकते हैं कि आपका वही 1100 का डीजल हो गया और बाकी आपका खर्च वगैरह हो गया, तो आपको आधा पैसा जैसे बच जाएगा और आधा पैसा आपका मतलब खर्च भी हो जाएगा, तो ये आप मान सकते हैं। अब वही आ जाता है 60 किलोमीटर के ऊपर कि आपको 60 किलोमीटर गाड़ी जाना है और 60 किलोमीटर आना भी है, तो 120 हो गया। तो इसमें आप ले सकते हैं 3000 से 3500 के बीच में आप ले सकते हैं। इसमें क्या है कि जैसे जैसे आपकी रेंज बढ़ती जाएगी तो फिर उतना थोड़ा पैसा भी कम होता जाता है, और जैसे जैसे फिर किलोमीटर पे आ जाती है, जितना भी कम किलोमीटर आपकी गाड़ी जाएगी उतने ही कम मतलब कि उतने ही ज़्यादा आपको पैसे मिलते हैं। ये रहता है अधिकतर पिक बॉम में कि जितनी ही कम आपकी गाड़ी चलेगी उतना ही ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। तो अब 60 120 हो गया, तो इसमें से आप मान सकते हैं कि 12 लीटर के समथिंग 1200-1300 का आपका डीजल हो गया, वहीं आपका खर्च वगैरह भी हो गया, तो इसमें से 1700-1800 भी मान सकते हैं कि आपको इतना खर्च हो जाएगा। तो इसमें आप 3500 से जैसे 3600 हो गया या 3400 जैसे भी डील होती है 3700 भी ऐसे ले सकते हैं आप। वही आप जैसे 70 किलोमीटर की बात करते हैं, 70 × 70 × 140 हो गया, तो इसमें से आप जैसे मान सकते हैं कि 1500 का आपका डीजल हो गया और खर्चा हो गया, तो वही 2100-2200 के समथिंग अपना खर्चा आ जाएगा। अब इसमें आपको कितना लेना चाहिए, तो इसमें आप 4000 के समथिंग 4200 ऐसे आप ले सकते हैं। तो ये हो गया अपना 70 किलोमीटर का। अब वही 80 का जाता है, तो 80 में आप वही समझ सकते हैं कि आप 4500 के समथिंग आप ले सकते हैं। और वही 90 किलोमीटर का आ जाता है, तो 90 में आप वही समझ सकते हैं कि 5000 की समथिंग या 5200-5300 ऐसे आप ले सकते हैं। अब वहीं आप 100 किलोमीटर की बात करते हैं कि जिस 100 किलोमीटर आपकी गाड़ी जाना है और 100 किलोमीटर आपकी वापस आना है, तो 20 लीटर तो आपका जैसे कि 20-21 लीटर तो आपका डीजल ही ख़त्म हो जाना है, तो ये आप समझ सकते हैं कि 2100 का तो जैसे आपका डीजल ही ख़त्म हो गया, तो उसमें खर्चा वगैरह टोल वगैरह भी जे भी रहते हैं। तो टोल मैंने बताया ना कि इंक्लूड, जैसे आपके जैसे कहीं टोल लग रहे हैं तो वो आपको इंक्लूड करना है, वो भी आपको उसी में लगाना है। तो जैसे कि 2100 रुपये का डीजल हो गया, उसी में आपको खर्चा वर्चा जैसे खाना पीना खाना है तो 400-500 रुपये वो हो गया, तो 2600 रुपये हो गया, 200-300 रुपये की आप टोल समझ सकते हैं, है? तो ये समझिए मान लीजिए 3000 रुपये आपका ये पूरा खर्च आ गया। तो इसमें आप कम से कम 5500 से 6000 रुपये के बीच में आप ले सकते हैं, ये अपना मतलब कि आधा आपको पैसा बच जाएगा, तो इतना आप ले सकते हैं। तो ये हो गए 100 किलोमीटर की रेंज में, और ये फिक्स नहीं रहते हैं, कहीं कहीं आपको ज़्यादा मिलते हैं, कहीं कहीं आपको किसी किसी शहर में आपको कम मिलते हैं, तो ये इतना रहता है। और बाकी फिर 150 किलोमीटर के ऊपर तो आप जैसे कि जैसे 110 जाना है तो वही आप लगा सकते हैं कि आगे, और थोड़ा आपको जैसे हिसाब लगा लेना है कि इतने में कितना हमें बचेगा, कितना आपका डीजल खाएगी। तो जैसे कि 10 किलोमीटर में तो जैसे 1 ही लीटर आपका, जैसे 2 लीटर जैसे 10 किलोमीटर और जाएंगे आगे तो 2 लीटर और खा जाएगी, तो वो आपको हिसाब लगा लेना है, जैसे 500-600 रुपये आप जैसे हिसाब लगा सकते हैं कि इतने में इतना हमारा बच जाएगा, तो ऐसे ही आपको लगाना है। बाकी अगर 150 के ऊपर जाएंगे तो फिर किलोमीटर वगैरह आ जाता है, तो फिर किलोमीटर से लेना मतलब कि मिलता है। तो किलोमीटर में ये रहता है कि जितने कम जैसे कि 150 से जैसे 200 जाना है, तो जितना जैसे 200 जाना है तो उसमें आपको कम पैसा बचेगा, और जितनी किलोमीटर में ज़्यादा जाएगी गाड़ी
तो उतना आपको ज्यादा पैसा बचेगा। किलोमीटर में जितना ज्यादा जाएगी गाड़ी आपकी, जितनी दूर जाएगी गाड़ी उतना ज्यादा पैसा बचता है, और लोकल में जितना कम आपकी गाड़ी चलेगी यानी कम आपकी दूरी तय करेगी गाड़ी, तो उसमें आपको उतना मतलब ज्यादा पैसा मिलता है। तो ये रहता है, तो ये अपने एरिया के हिसाब से आपको चेक करना है। बाकी एक तरीका मैंने बताया कि इस तरीके से आपको लेना है, और इस वो ये फिक्स रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको किलोमीटर लगाना है इन पर, नहीं ये फिक्स रहते हैं, मतलब जो जैसी डील में आ जाएंगे अपन को पहले हिसाब लगा लेना है, अपने आधे समथिंग लगा लेना है कि आपकी गाड़ी में आधा पैसा बचना चाहिए, आधे से थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है मतलब, तो आपको ऐसे लगा लेना है कि जिसमें हमारा अगर ड्राइवर भी अगर जा रहा है तो उसको भी मिल जाए, गाड़ी के भी बच जाए, अपना जो भी टूल वगैरह है तो वो भी आपको निकालना है उसी में, खर्च वगैरह जो भी आपको निकालना है, तो आपको आधे आधे से मतलब ज्यादा बचना चाहिए, तो आपको ऐसे हिसाब लगाना है, और इसमें किलोमीटर नहीं रहता है। बाकी फिर अगली वीडियो में किलोमीटर का भी बताएंगे, 150 तक का भी मतलब निकाल के बताएंगे कैसे कि आपको निकालना है, और बाकी अगले वीडियो में आपको निकाल के भी बताएंगे कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है कि कहाँ कितनी मतलब एक ट्रिप जाएंगे तो आपको कितना डीजल आएगा, कितना खर्चा आएगा, सब कुछ निकाल के बताएंगे, तो आप अपनी गाड़ी का भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय।